ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਜੈਗੂਆਰ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜੈਗੂਆਰ ਲੱਗੀ ਜੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਭੱਜ ਗਿਆ नमस्कार ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। रोड पर जरा सी कहा सुनी को लेकर जैगुआर कार चालक ने दूसरे चालक को किया लहूलुहान, हमला करके भागा आरोपी। गड्डी चो बाहर निकल के एकदम ही गल पै गया मेरे मुंडा ही जैगुआर ते। अच्छा, उन्हें एकदम ही सिर ते हिट करता। मैनूं पता ही नहीं लगा भाई मैं डिग गया। कोई जानकारी सी? नहीं नहीं नहीं, ऐदां ही गड्डी लागो गड्डी ओह आया गड्डी की ना गया जैगुआर लगी जी ओह भज गया उस तो बाद। हां जी भज गया। ये गड्डी किदी आ जिन्हें मारिया आ? हाल इन्हें दसिया कि मैं जान दिया तो जैगुआर गड्डी दे विच बड़ा होंदे निकल के गड्डी चो निकल के मेरे ते हमला किया वा। सीसीटीवी भाल करांगे, होर फोर्स मंगा के ना इहदा मैडिकल कराउण लगे हां। इहदे कोल कंप्लेंट आ जो इहदे कोल लै के दूजी पार्टी दी जिहड़ी गलबात सुण के जो सिट्टा रिपोर्ट आएगी फिर उस ते कार्रवाई कीती। दोस्तों ये मामला सामने आया है लॉरेंस रोड अमृतसर से, जहां पर 3 अक्टूबर की ये घटना बताई जा रही है। पीड़ित चालक जो कि स्कूटी से अपनी मंगेतर के साथ इस रोड पर जा रहे थे, अचानक पीछे से जैगुआर में कार चालक आया और उसने उतर कर स्कूटी चालक पर हमला कर दिया। पीड़ित के मुताबिक वो उसी समय वहां पर बेहोश होकर गिर गया, उसे कुछ पता नहीं चला। जब होश आया तो देखा कि वहां पर काफी लोग खड़े हैं, भीड़ जुटी हुई है। जैगुआर चालक अपनी कार वहां से छोड़कर फरार हो चुका था। मौके पर नजदीकी पुलिस चौकी में कॉल की गई, पुलिस वहां पहुंची, मामला दर्ज किया गया। इस मामले में पुष्टि करने के लिए ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने सिविल लाइन अमृतसर थाने में बात की तो वहां से पता चला कि दरअसल यहां पार्किंग को लेकर कुछ कहा सुनी हुई थी। उन्होंने बताया कि स्कूटी चालक आया और जैगुआर कार के बोनट पर हल्की सी स्कूटी टच हो गई, जिसके बाद जैसे ही स्कूटी चालक थोड़ा आगे निकले पीछे से कार चालक ने गुस्से में आकर गाड़ी रोक कर उस पर हमला कर दिया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों के परिवार को बुलाया गया है और पुलिस इस मामले में समझौता करने के प्रयास कर रही है। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा, आरटीओ और टोल अधिकारी आपको जीवीडब्ल्यू पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया, अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।